बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी वर्सटाइल एक्टिंग से सभी को दीवाना बनाने वाले अभिनेता फिरोज खान भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इन्होंने अपने नायक और खलनायक वाले किरदार से लोगों को काफी प्रभावित किया था। दर्शकों के मन में इनकी फिल्मों को लेकर काफी क्रेज था, क्योंकि ये जिस भी किरदार को निभाते उसमें एक अलग ही जान डालते थे। तभी ये उस दौर के हाई पेड अभिनेता थे। लेकिन दोस्तों, आप फिरोज खान के बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आप इनकी बेटी और दामाद के बारे में जानते हैं कि वो कौन हैं, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? अगर आप भी इन सभी बातों से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और साथ ही दिवंगत कलाकार फिरोज खान के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड में अपने दमदार अभिनय से सभी को दीवाना बनाने वाले अभिनेता फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर 1939 को बेंगलुरु में हुआ था, इसलिए इनकी सारी पढ़ाई भी यहीं पर पूरी हुई। लेकिन अगर बात करें इनके अभिनय करियर के बारे में, तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1960 की फिल्म दीदी से की थी, जिसमें इन्होंने एक सपोर्टिंग रोल निभाया था। इस फिल्म को करने के बाद ही लगातार इन्हें 5 साल तक सपोर्टिंग रोल ही मिलते रहे, पर इन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और मेहनत करते चले गए। और इनकी मेहनत तब रंग लाई जब इन्हें 1965 की फिल्म ऊंचे लोग में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म ने इनके करियर की तो पूरी काया ही पलट कर रख दी, जिसके चलते इन्हें कई फिल्मों का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिनमें आरजू, जाबाज, काला सोना, वेलकम, कबीला और खून और पानी जैसी फिल्में शामिल हैं। इन सभी फिल्मों में इन्होंने अपने नकारात्मक और सकारात्मक किरदार से दर्शकों का मन मोह लिया था, और साल 2007 में कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से लड़ते लड़ते इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन अगर बात करें इस दमदार अभिनेता की बेटी और दामाद के बारे में, तो इनकी बेटी का नाम फातिमा खान है और इनके दामाद का नाम फरहाद फर्नीचर वाला है। अगर बात करें इनके बेटी फातिमा के बारे में, तो एक फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने के बावजूद फातिमा को कभी भी एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि ये तो शुरू से ही अपना करियर कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की फील्ड में बनाना चाहती थी। इसलिए इन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म की और उसके बाद अपना पूरा फोकस फैशन डिजाइनिंग की फील्ड की तरफ कर दिया, जिसकी बदौलत आज उनका नाम टॉप कॉस्ट्यूम डिजाइनर में लिया जाता है। फिलहाल फातिमा भी 50 साल की हैं और दिखने में अभी भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। हालांकि इन्हें लाइमलाइट में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वही बात करें इनके दामाद फरहान फर्नीचर वाला के बारे में, तो ये प्रोफेशन से एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इन्होंने इनकी बेटी से साल 2010 में शादी की थी और शादी के 10 साल बाद भी इनकी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी बेटी से शादी करने से पहले फरहान फर्नीचर वाला ने बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी से शादी की थी, पर शादी के कुछ सालों बाद ही दोनों के बीच में तलाक हो गया, जिसके 7 सालों बाद उन्होंने उनकी बेटी फातिमा से शादी कर ली। तो दोस्तों, आपको फिरोज खान की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई थी? आप हमें उस फिल्म का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।